मैं वीएस उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आशा होंगे आप अच्छे होंगे। आज हम फिर एक नई टॉपिक आपके लिए आए हैं। ये टॉपिक अकाउंट्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे पिछले टॉपिक्स में मैंने बताया था कि ये टॉपिक अकाउंट्स में बहुत ही ज्यादा इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि आज के डेट में बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो ट्रेडर यानी व्यापारियों के बाद जो एक ऑप्शन होता है वो है डिस्काउंट। तो आप पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें मैंने आपको पहला टॉपिक जो बताया था ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन मैंने आपको समझाया था, उसकी जनरल एंट्री भी समझाया था। और आज इस ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री की ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री टैली में करने का सही तरीका क्या है, टैली में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कैसे की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री टैली में। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टैली पे ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करने का सही तरीका क्या है, किस फंक्शन में पास करना है और कैसे। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट एक नई कंपनी आप क्रिएट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक नई कंपनी बनाया, कंपनी का नाम मैंने डाल दिया ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ये डाल दिया स्टूडेंट। और आप बाकी ऐसी अपने से फिलअप कर लिया कीजिए, जब भी आप बनाएंगे ये तो पूरा नाम पता एड्रेस डाल दीजिए। हम इसे शॉर्ट में बना दें आपके सामने, शॉर्ट में जो जो जरूरी चीज़ें वो फिलअप कर दिया। फाइनेंशियल ईयर आपका 1/4/2020 रखिएगा, बिगनिंग डेट भी सेम रखिएगा, यहाँ कुछ नहीं करना और डेट को सेव करा लीजिए। ओके, ये पहला आपका मतलब कंपनी क्रिएट हो गया। इसके बाद हमें वापस आप लेजर बनाना है, यानी पहले हमें देखना है किस क्वेश्चन का हमें एंट्री पास करना है, यानी ट्रेड डिस्काउंट का। तो वापस हम स्किप करेंगे गेटवे ऐप एंट्री करने के लिए, आपको वापस गेटवे ऐप टैली जाना होगा। तो टैली में गेटवे ऐप टैली में जाने के लिए स्किप की का इस्तेमाल करेंगे। स्किप करेंगे गेटवे ऐप टैली पर स्क्रीन आ जाएगा आपका, और उसके नीचे पहला ऑप्शन आपको लिखा होगा अकाउंट इन्फो, उसमें एंटर करेगा, फिर लिखा होगा लेजर एंड क्रिएट। तो ये अब हमें किसका लेजर बनाना है, वापस आइए क्वेश्चन पे। तो आपके सामने स्क्रीन क्वेश्चन दिया हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम कैश विद 10% ट्रेड डिस्काउंट और ₹5,000, यानी ₹5,000 का नकद माल खरीदा हुआ है और ये 10% व्यापारिक छूट है। तो आपको पता है कि भाई जो भी एंट्री हम पास करेंगे उसमें 10% व्यापारिक छूट घटा देंगे, और व्यापारिक छूट जो होता है उसको बिल में कहीं दिखाया नहीं जाता। जैसे एंट्री है परचेज काउंट दिया टू कैश 4,500, इसमें 5% घटा के एंट्री पास किया गया, नीचे नरेशन लिख दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹5,000, यानी ₹5,000 का उधार माल खरीदा आपने राम से, तो ₹5,000 पे 10% व्यापारी छूट घटा के कितना आया, ₹4,500 आया। तो एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, नरेशन लिख दीजिएगा यहाँ पे वो सेम। तीसरा पास करना है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश विथ 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹5,000, तो कैश अकाउंट डिया टू सेल 5%, आप ₹5,000 लेस कर दीजिएगा, आएगा 4,750। 4,750 की बिल यहाँ पे कैश अकाउंट डिया टू सेल बना दिया आपने, और नीचे नेशनल राइट कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन पास करना है, गुड्स सोल्ड टू अमित ऑन क्रेडिट विथ 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹5,000, यानी ₹5,000 का अमित को माल बेचा उधार, और तो ₹5,000 में 5% घटा दीजिएगा, 4,750 आएगा, तो आपका बिल बनेगा अमित डिया टू सेल 4,750 का, नरेशन जान लीजिएगा। ये चार क्वेश्चन आपको पास करना है। तो इसमें पहले सबसे बनाना हमें लेजर, किसका इन चारों का लेजर तैयार करना है। तो लेजर बनाने के लिए वापस आप तीसरे एग्जाम्पल में यहाँ एक चार्ट बना रखा हूँ जिसमें किस किस अकाउंट का लेजर आपको बनाना है। हमें किसका बनाना है, परचेज का, किस में डालना है, परचेज अकाउंट में। दूसरा राम को बनाना है, राम से उधार माल खरीदा तो राम किस में जाएगा, संडिक राइटर्स में। तीसरा सेल्स का बनाया है, सेल्स किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट में। चौथा किसका बनाया है, अमित को माल बेचा है, संडिक डेप्टर में। तो आइए इन चारों का पहले लेजर बनाया जाए। तो आपके सामने लेजर अकाउंट खुला हुआ है, सबसे पहले परचेज का अकाउंट बनाना है। परचेज टाइप कीजिए यहाँ पे लेजर नेम में, परचेज अकाउंट तो है यहाँ पे, आप परचेज अकाउंट सूट करिएगा, यहाँ पे परचेज आ जाएगा, यहाँ पे एंटर करिएगा, और नीचे जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सारे ऑप्शन नो कर दीजिएगा, अभी इनका कोई जरूरत आपके नहीं है, और डेटा को सेव करा लीजिए। दूसरा लेजर इशू किसका बनाना है, राम का, राम सन्ड्री डेप्टर्स में जाएगा, तो राम एंटर करिएगा और डाल दीजिएगा राम सन्ड्री एस दबाइएगा, तो यहाँ पे सन्ड्री डेप्टर्स में आ जाएंगे, यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी राम से उधार माल खरीदा, राम क्या हुआ सन्ड्री क्रेडिटर्स में इसका एंट्री होगा, दिखा के सेव करा लीजिए आपको यहाँ पे, ये सेव कर लीजिए। ओके, अब चौथा एंट्री किसका पास करना है,
चौथा पास करना हमें, तीसरा पास करना है सेल का। सेल का किसमें जाएगा, सेल अकाउंट में जाएगा। तो सेल खाता बना लीजिए, सेल अकाउंट का, सेल का सेल खाता में डाल दीजिए, सेल एंटर एंड नो करके सेव करा लीजिए, ये सेल अकाउंट ऐड होगा। ओके, अब चौथा किसका बनाना है स्टूडेंट, आइए देखें। चौथा बनाना है अमित का। अमित किस में जाना है, सन डिडक्टर, यानी अमित को उधार माल बेचा था आपने, तो आइए अमित का खाता बनाया जा रहा है। अमित एंटर, अमित किस में आएगा, सन्ड्री डेब्टर्स में, सन्ड्री डेब्टर्स यूज कर लीजिए और यहाँ पे जो ऑप्शन है सब बंद कर दीजिएगा एंड सेव करा लीजिए। ये चारों बिल आपका बन गया स्टूडेंट। हम चारों बिल को देखना चाहते हैं, चारों लेजर को, तो आप स्केप करके पीछे आएगा, आपको सिंगल लेजर आएगा, सिंगल लेजर में अल्टर पे जाइएगा, तो वहाँ चेक भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन भी कर सकते हैं, किसी को देखना है, अगर इनको एक साथ देखना चाहते हैं तो आप मल्टी लेजर का इस्तेमाल करेगा, नीचे अल्टर में जाएगा, अल्टर में ऑल आइटम मिलेगा, उसमें मल्टी इंटर करिएगा, तो सारा स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। अगर किसी लेजर में कोई गड़बड़ी है या कोई नेचर ऑफ अकाउंट में गड़बड़ी है तो उसका आप करेक्शन भी यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं इनकी बाउचर एंट्री टैली पे कैसे पास करना है, यानी किस फंक्शन में, कौन कौन से फंक्शन में इसकी एंट्री पास की जाएगी। तो स्केप से वापस पीछे आएंगे और वापस स्केप से गेटवे ऑफ टैली पे चले जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली आ जाएगा। बिल बनाने के लिए जो ऑप्शन होता है उसका नाम है अकाउंटिंग बाउचर, जो आप सेलेक्ट आपके सामने है उस पर एंटर करिएगा। तो वापस हम फिर क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट, कि किस किस क्वेश्चन का एंट्री इस पे पास करना है। वापस हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं और आपके सामने स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है गुड्स फॉर गुड्स परचेज फॉर कैश। तो ये पहला एंट्री पास होगा पेमेंट, लिखा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पेमेंट हेड में जाएगा, ये लिखा है ना रेड कलर का पेमेंट में, F5 वो पेमेंट का नाम होता है। एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट या टू कैश, तो आइए टैली पे एंट्री पास करते हैं। F5 प्रेस करिएगा, F5 प्रेस करने में पेमेंट लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर। तो परचेज कितने का परचेज किया हुआ है स्टूडेंट, वो भी चेक कर लीजिए। 4500 का बिल बना है TD कार्ड के, तो 4500 यहाँ पे लिख दीजिए, एंटर एंटर टू कैश, कैश सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे स्टूडेंट नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश विथ 10% TD, ये लिख दिया आपने 10% TD। ये पहला बिल बन गया स्टूडेंट आपका, सेव कर लीजिए इसको। आइए दूसरा बिल बनाया जाए। दूसरा बिल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन जिसमें उधार माल खरीदा है राम से, इसका बिल बनेगा किसमें, F9, यानी F9 का नाम क्या है, परचेज अकाउंट में बनेगा। आइए परचेज फंक्शन में जाइए, वापस टैली में आते हैं, F9 प्रेस करिएगा, तो ये ऐसा इनवॉइस आपके सामने आएगा। इसको बंद करने के लिए, ये खासकर स्टॉक के लिए होता है, अभी हमारे स्टॉक का काम नहीं, इसको बंद कर दीजिए। अभी बंद करने के लिए कंट्रोल बी का इस्तेमाल करिएगा, कंट्रोल बी करिएगा और इंटर। उसके बाद हमें क्रेडिट, हमेशा परचेज में क्रेडिट साइड ऊपर आता है टैली में, तो हमें किससे माल खरीदना है, राम से, राम सेलेक्ट कर लीजिए, क्रेडिटर राम है जो हमें माल दे रहा है। और यहाँ पे माल कितने का है, 4500 का माल बन रहा है, TD कार्ड के बन रहा है, 4500 लिखा आपने, इंटर बाई परचेज, इंटरनेशनल लिख दीजिएगा स्टूडेंट, बींग गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट विथ कितना परसेंट TD है, देख लीजिए स्टूडेंट आपके सामने ये 10% TD है आपका, 10% TD। ये स्टूडेंट बन गया आपका दूसरा बिल उधार माल खरीदने का। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये है कि नगद नगद माल बेचा गया है, इसकी एंट्री कब किस में पास करनी, F6 में पास करनी है स्टूडेंट। आइए वापस हम F6 प्रेस करते हैं, F6 रिसीव होता है, यानी इसमें भी क्रेडिट साइड हमेशा ऊपर आता है, तो माल हमारे पास से जा रहा है, कैसा आ रहा है, कितने का माल आ रहा है हमारे पास से, 4750 का, यानी TD कार्ड के 4750 पड़ रहा है, तो 4750 या लिखा इंटर एंड कैश बाई कैश जाएगा, नरेशन लिख दीजिए स्टूडेंट, बींग गुड्स गुड्स सोल्ड फॉर कैश विथ 5% CD, यानी CD का मतलब कैश डिस्काउंट, तो यहाँ पे सॉरी 5% TD, 5% TD, TD यानी 10 डिस्काउंट, और बिल को सेव करा दीजिएगा, एंटर। तो ये तीसरा बिल बन गया आपका। आइए चौथा बिल देखिए क्या है स्टूडेंट आपके सामने। चौथा बिल
आपके सामने है। चौथा बिल है गुड्स सोल्ड टू अमित ऑन क्रेडिट, यानी अमित को उधार माल बेचा है 5,000 का, 5% TD काटकर, 4750 का ये भी बिल बना है। इसके बिल एंट्री पास होगी एफेट, एफेट यानी सेल वाउचर होता है। आइए टैली पे आइए, तो एफेट दबाइएगा, सेल वाउचर आएगा, इसमें भी इनवॉइस खुलेगा, इनवॉइस को बंद कर दीजिएगा कंट्रोल वी से, ये बंद कर दिया। और हमें माल बेचना है किसको, अमित को, अमित डेप्टी हो गया, डेप्टर्स हो गया, एंटर। कितने का माल बेचा गया, आइए क्वेश्चन दोबारा चेक कर लेते हैं। 4750 का बना है, इसमें भी टीडी काट कर, तो 4750, एंटर टू सेल, ये आपका एंट्री हो गया जो कॉपी में किया आपने। नरेशन लिख दीजिएगा, बींग गुड्स सोल्ड टू अमित ऑन क्रेडिट विथ 5% TD। आइए देख लीजिए, बस चेक कर लीजिए, जी हाँ 5% TD पे है, तो ये आपका नेशनल लिखा गया है, बिल्कुल सेट कर लीजिए। ये चारों एंट्री आपने पास कर दिया ट्रेड डिस्काउंट का टैली पे। आएगा इनका देखना, अगर बिल स्टेटमेंट देखना है तो आप देख सकते हैं, डिस्प्ले में जाकर ये बिल स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, और डे बुक में देखेंगे चारों बिल आपका दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री में, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री टैली में करने का सही तरीका क्या है, किस फंक्शन में करना चाहिए, और उसका लेजर ऑफ अकाउंट किस में रखना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हर वीडियो अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, और अगला वीडियो पाने के लिए सबसे पहले बेल आइकन दबाएगा, क्योंकि अगली वीडियो जो आपके लिए आ रहा है वो है कैश डिस्काउंट क्या है, और कैश डिस्काउंट की एंट्री टैली में कैसे की जाती है। धन्यवाद।